आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के रानीगंज ट्रैफिक गार्ड के तरफ से पुलिस दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में पंजाबी मोड़ के पास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां ट्रैफिक पुलिस द्वारा बाइक सवार लोगों में हेलमेट वितरित किया गया, साथ ही ट्रैफिक जागरूकता रैली निकाली गई। कार्यक्रम में पहुंचे रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक और एडीडीए के चेयरमैन तापस बैनर्जी ने कहा कि ट्रैफिक नियम लोगों को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं और हम सभी को उनका पालन करना चाहिए। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के रानीगंज ट्रैफिक गार्ड की तरफ से पुलिस दिवस मनाया गया। पुलिस दिवस के उपलक्ष्य में पंजाबी मोड़ के पास कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां ट्रैफिक पुलिस ने बाइक सवार लोगों के बीच हेलमेट वितरण किया। इसके साथ ही ट्रैफिक जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में ट्रैफिक पुलिस के साथ सीपीपीएफ कर्मी तथा स्कूली छात्र भी शामिल हुए। हाथों में बैनर, पोस्टर और कटआउट लिए छात्रों ने आम लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। कार्यक्रम में पहुंचे रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक और एडीडीए के चेयरमैन तापस बैनर्जी ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले लोगों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कुछ लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने में खुद पर गर्व महसूस करते हैं, लेकिन उन लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि वे लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करके अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। हेलमेट पहनकर बाइक नहीं चलाने, ट्रिपल राइडिंग अथवा जरूरी कागजात नहीं होने पर सरकार की तरफ से जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। इसका उद्देश्य आम लोगों पर अत्याचार करना नहीं है बल्कि लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करना है। इसलिए जब भी लोग बाइक लेकर घर से निकले तो हेलमेट अवश्य पहने तथा सभी जरूरी कागजात अपने साथ रखे। खूब लक्षण आज एक्टाई मार्केट खूब आज प्रचुर नेता आज सबा नेता हम जे धरल संगे संगे फोन कर पुलिस के लिए दिल यहाँ जो प्रबलता जो कमान जाए तो एक्सिडेंट क्योंकि कमते पर पुलिस एक बार कसान देते दो बार कसान देते एन क्योंकि फाइन का सांघातिक सरकार बेड़े गए सरकार फाइन बढ़ान उद्देश्य মানুষের প্রতি অত্যাচার করা নয়, সরকারের ফাইন বাড়ানোর উদ্দেশ্য আমাদের হাত থেকে পকেট থেকে যতক্ষণ পয়সা না বেরোচ্ছে আমরা সচেতন হই না, জীবন চলে যায় পয়সা না বেরো। তো পয়সা বের করার পর মনে রাখবে আমি হেলমেটটা পরে না চাই আমার 2000 টাকা ফাইন হয়ে যাবে, আমি পলিউশনের কাগজে না রাখি আমার 5000 টাকা ফাইন হবে। যাই হোক, এটার ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, এটা তো বিদেশে নয় যে সবাই আমরা শিক্ষিত, এখানে আমাদের প্রবণতা হচ্ছে আইন ভাঙতে আমরা ভালোবাসি, আইনটাকে অবজ্ঞা করতে ভালোবাসি, এর মধ্যে আমরা আমাদের কৃতিত্ব করতে পারি। আইন কো তোড়নে মে আপনাকে মজা ইসকো নকশা করনে মে আপনাকে গর্বকে মহসুস করতে হয়, আইন কো তোড়নে মে ইসকো নজর অন্দাজ করনে মে আমরা বহুত গর্ব মহসুস করতে হয়, এই আপনার জিন্দগি লোক আমরা খেলতে হয় খেলোয়াড় করতে হয়। तो पुलिस बार बार बोलता है उन लोग के लिए नहीं, सरकार के लिए नहीं, आम लोग का चाकरी नहीं करने के लिए। तो 10 सेकंड में एक आदमी का जिंदगी जा सकता है, ऐसा बहुत सा देखिएगा चिड़ियों में हेलमेट नहीं रहने के वजह से उसका जिंदगी चला गया, बहुत सा आप लोग देखे। तो ये पुलिस से तरफ से सरकार के तरफ से आप लोग का बार बार हम लोग चाकरी करते हैं जो मेहरबानी करके हेलमेट पहन के निकालिए, लाइसेंस लेकर निकालिए। इस मौके पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एसीपी ट्रैफिक प्रदीप मंडल, एसीपी सेंट्रल श्रीमंत बैनर्जी, ट्रैफिक प्रभारी चित्तोष मंडल, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भरतिया व हर्षवर्धन खैतान समेत अन्य कई लोग उपस्थित थे। रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज शिल्पांचल एवं कोयलांचल में चिकित्सा जगत से जुड़े लोगों के लिए एक अच्छी खबर। शहर की लाइफलाइन एनएसबी रोड पर अवस्थित भगवान दास विश्वनाथ अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित बीएन अग्रवाल मेमोरियल हॉस्पिटल में मिलेंगे राज्य सरकार की स्वास्थ्य साथी हेल्थ कार्ड की संपूर्ण सुविधा। साथ ही बीएन अग्रवाल मेमोरियल हॉस्पिटल के मरीजों के लिए उपलब्ध है बेहतर चिकित्सा के साथ साथ 24 घंटे की एम्बुलेंस परिसेवा। इतना ही नहीं, बीएन अग्रवाल हॉस्पिटल अपने मरीजों को फैमिली हेल्थ प्लान इंश्योरेंस, हेरिटेज हेल्थ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लोम्बर्ड जनरल इंश्योरेंस, मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस, यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और एरिक्सन इंश्योरेंस की सुविधा प्रदान करेगा।
जानकारी के लिए संपर्क करें बीएन अग्रवाल हॉस्पिटल रानीगंज, फोन नंबर 03412441810, 03412441809।